उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को एक बार फिर एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त मैं शामली जनपद के महिला महाविद्यालय में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सी लड़कियां खड़ी हैं और ये वो लड़कियां हैं जो कॉलेज में पैदल लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके कॉलेज तक पहुँचती है, लेकिन उस 1 किलोमीटर के सफ़र में इन लड़कियों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर के क्या है वो हम सीधा इन्हीं से बात कर लेंगे। बहुत सारी छात्राएं हैं, पहले तो एक मैडम इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, स्कूल का क्या नाम है जहाँ मैं पहुँचाऊँ? हिंदू महिला महाविद्यालय। ये लड़कियों का है ना? हाँ जी। यहाँ से शामली शहर कितना है? 2 किलोमीटर लगभग। लगभग 2 किलोमीटर। हाँ जी। तो जो छात्राएं आती हैं वो कैसे आती है मैम? कुछ रिक्शे से आती हैं, कुछ साइकिल से आती हैं, कुछ पैदल भी आती हैं। हाँ जी। तो यहाँ जैसे कॉलेज है, एंटी रोमियो स्क्वाड टीम है एक, जो महिलाओं को सुरक्षा की बात करती है, तो उसमें यहाँ कभी ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ? हाँ जी, हुए हैं। क्या बताया गया उसमें? उसमें बच्चों को उनकी सुरक्षा के बारे में बताया गया कि आप किस तरह से अपना सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी रक्षा कर सकती हैं आप लोग। कोई नंबर जारी, नंबर के बारे में बताया? हाँ जी, बताया है 1090 आपके महिला हेल्पलाइन नंबर है ये, इस पर आप कॉल कर सकते हैं कभी भी आपको कोई भी परेशानी होती है तो। और कोई नंबर? जी मैडम, आप बताइए। और नंबर है 112 है, 102 है, और वैसे भी पहले जब वो आए थे यहाँ कैराने से, जो स्टूडेंट्स आती थी बस में उनके साथ बहुत बदतमीजी भी होती थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने आके ये कहा कि ये नंबर है 1090 है, आप इस पर कॉल करें तो तुरंत ही एक्शन होगा। और अब जो स्टूडेंट्स कैराने से भी आती हैं वो सुरक्षित महसूस करती हैं बस में भी आने में। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पहले उनके साथ कुछ घटनाएं बदतमीजी होती थी, तो क्या कभी जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया उसका फ़ायदा उठाया गया, जो ये घटनाएं रुकी? जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी जी हुए हैं तब से ये घटना अपने आप ही बंद हो गई। बस में जो स्टूडेंट्स आते थे उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, सब सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले होती थी, वो आने में कतराती थी, कॉलेज आने में भी ये कहते थे कि हम नहीं आ सकते। और अब आते हैं। ठीक है। हाँ बुढ़िया, इधर आइए, वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है? रिया। हाँ रिया, ये बताइए कौन सी क्लास में हो? BA। यहाँ कौन सा? फिफ्थ सेम में। मैं कानून व्यवस्था की बात करूँ, आप लड़की हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं आप, तो किस तरीके से आप कानून व्यवस्था को देखती हैं? सर, संशोधन अच्छा है, मतलब पहले बेकार था और अब अच्छा है। जब से योगी की सरकार आई है और आने जाने में सब अच्छी सुविधाएं हैं। महिलाओं की सुरक्षा की मैं बात करूं तो महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिला हेल्पलाइन नंबर 1090। और इमरजेंसी अगर कोई रास्ते में मिस हैपनिंग होती है, दुर्घटना होती है, उसके लिए क्या नंबर है? इसमें 112 पे कॉल की जाती है सर। और एम्बुलेंस का वो 190 नहीं नहीं 102 कितना 102 और 108। देखिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। अच्छा ये बताइए, आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं कि रास्ते से जब लोग आप लोग आते जाते हैं तो किस तरह के कमेंट होते हैं, जो कुछ ऐसे युवा हैं जो कमेंट करते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? होता है, पर बाइक से थोड़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बाइक से बोलते हैं ना सब, लड़के हो या लड़की हो कोई भी है, तो जब देखते हैं इधर से इधर तो इशारा करता है, नंबर दिखाते हैं, फ़ोन ऐसे इस तरह से करते हैं मैं नंबर लेने के लिए। अच्छा, ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? हाँ हुआ है, बट फिर भी हमने बोला, हम अपने फ्रेंड फैमिली में बोला या खुद कॉल करके पुलिस वगैरह को कॉल की, बस कॉलेज तो मदद मिली पुलिस की? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे अकॉर्डिंग जब से योगी की सरकार आई है तब से वैसे ही ऑलरेडी ये घटनाएं बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। मतलब पहली बात तो ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती कि हम कॉल करें, और वैसे भी मतलब सरकार ने इतनी फैसिलिटी दी है कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके एमरजेंसी में अपनी मदद करवा सकते हैं, मतलब सरकार हमारे लिए तुरंत मौजूद हो जाती है। पुलिस आती है यहाँ पर गश्त के लिए? हाँ जी, हमारे कॉलेज के बाहर भी खड़ी रहती है, कई बार अक्सर खड़ी रहती है। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जैसा आप स्टूडेंट हैं किस तरीके से आप देखते हैं कानून व्यवस्था को? सर, जो पहले के टाइम से देखे और अब के टाइम में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि पहले टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब गर्ल्स को कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ना आने में ना जाने में, जैसे कि यहाँ पे पुलिस की भी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टाइम टू टाइम हेल्प के लिए हमेशा कोई ना कोई रहता ही है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। आप बताएंगे कि अगर इमरजेंसी में कोई सड़क पे कोई दुर्घटना होती है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिला हेल्पलाइन सर जी
कैसे कैसे सुरक्षित महसूस करोगे फिर आप? सर जैसे हम पहले आते जाते थे कॉलेज में, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हमें आने जाने में, लड़के गंदे गंदे कमेंट करते थे, लेकिन अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है जब से योगी जी की सरकार आई है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, योगी जी की सरकार तो है, अगर कोई कमेंट करता है, आप अकेली आ रही हैं, किसी तरह का मिस हैपनिंग होता है, मिस व्यवहार होता है, तो ऐसे में आप किस नंबर को डायल करेंगे? 109 नहीं है वो, 1090। देखिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए जो है ना, सरकार के जो नंबर्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों की सुरक्षा हो जाएगी। खाली नंबर शेयर कर देने से आपकी सुरक्षा नहीं है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए जानकारी आपके पास पुख्ता होनी चाहिए। हाँ, आपका क्या नाम है? अंकिता रानी। अंकिता जी, ये बताइए जो महिला हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? वह 1090 है वो। 1090 जी। कभी फ़ायदा लिया उस नंबर का? जी नहीं, अभी तक तो ज़रूरत पड़ी नहीं, पर हाँ आगे कभी पड़ेगी तो ज़रूर लेगी। ठीक है। देखिए बहुत सी स्टूडेंट्स हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं आप? मैं अभी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहीं पढ़ती हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है? वंशिका। वंशिका, यहाँ पुलिस की गश्त होती है क्या? पुलिस आती जाती है? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे सुबह हम आते हैं, मैं साइकिल से आती हूँ वैसे तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है पुलिस की, तो वो अपना काम करते। तो ये बताइए, आप साइकिल से आती है, कुछ ऐसे युवा भी मिले जो कमेंट्स करते हैं? हाँ वैसे रास्ते में तो बहुत ऐसा तो काम होता ही रहता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अपना काम कॉलेज में आने का, पढ़ने का है, ये फालतू की उसमें नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस है हमारी सहायता के लिए, महिला हेल्पलाइन भी और वैसे पुलिस भी है। लेकिन क्या लगता है कि आप लोग आते हैं, बहुत सी ऐसी स्टूडेंट्स हैं, कोई साइकिल से आते हैं, कोई पैदल आती है, कमेंट्स बाजी पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? कमेंट्स बाजी पे वैसे सरकार ने करा भी था, एक बार बनाया था वो रोमियो एंटी कुछ, एंटी रोमियो स्क्वाड, हाँ वो हुआ था, पर वो सही भी था कि एक बार को वो पुलिस मतलब जान रही थी कि क्या हो रहा और क्या नहीं लड़कियों के बीच। अच्छा, में जाके आपके पास ये एंटी रोमियो स्क्वाड टीम लगभग कितने समय पहले आई थी? उस टाइम मैं थी 12th में थी, मैं उस टाइम पे थी, आई थी ये। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल से अभी एंटी रोमियो स्क्वाड टीम कोई महिला आपके लिए आई नहीं है, किसी कॉलेज में आपने देखा हो? उस वाले में आई थी वैसे तो 3 साल पहले। 3 साल पहले, हाँ 12th में जब तो आई थी, और अब तक तो कोई, हाँ। देखिए कहीं ना कहीं एंटी रोमियो स्क्वाड टीम बनी जरूर है, लेकिन वो भी इतनी एक्टिव नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने उसको एक्टिव रहने के दोबारा से निर्देश जारी किए हैं। गुड़िया, आपका क्या नाम है? नीता नाज। नीता नाज, हाँ जी सर। अच्छा ये बताइए, जैसे आप कॉलेज आती हैं, बाहर का माहौल कैसा है? सही है, अभी तक तो सही है, पापा के साथ आती हूँ, पापा के साथ जाती हूँ। हाँ मैं ये तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्या पापा के साथ ही आती है, पापा के साथ जाती है? बाहर का माहौल अगर सही है तो फिर पापा साथ में क्यों? काफ़ी दूर पड़ता है ना, तो इसलिए पापा के साथ, पापा यहीं पे आते हैं तो साथ में आ जाती हूँ बस। दूर कितना है? अभी तो बहुत दूर है वैसे तो। या आपको लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं, गड़बड़ का कुछ ऐसा है नहीं भाई, बस पापा आते हैं, पापा ही ले जाते हैं, बस ऐसा ही है। अच्छा चलिए आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? तनु। आपके साथ आता है कोई? सर हम बस में आते हैं। वो स्कूल की बस है या कोई प्राइवेट बस है? सर प्राइवेट। उसमें तो सभी तरह के लोग आते होंगे? यस सर। तो उस बस के अंदर का माहौल क्या रहता है? सर वहाँ पे ठीक है, कोई कमेंट कुछ नहीं करता है, सब अपने अपने में लगे रहते हैं। कभी कुछ देखने को ऐसा मिला थोड़ा बहुत के कमेंट्स बाजी होती हो? नो सर। आपके ऊपर नहीं, कोई और लड़कियाँ रहती हैं उनके ऊपर हो? नो सर, ऐसा नहीं है, जब से सरकार आई है, मोदी आया है, सबसे कुछ नहीं होता, सब लड़कियाँ सेफ है, सब लड़कियाँ सेफ है। हाँ देखिए, मैं शामली के हिंदू महिला महाविद्यालय में पहुँचा था, जहाँ पर मैंने काफ़ी छात्राओं से बात की, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कमेंट्स बाजी तो होती रहती है, ये आए दिन का सिलसिला है, इसके लिए पुलिस भी गश्त करती रहती है। कुछ छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर याद है, कुछ को नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एंटी रोम स्क्वाड टीम को एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी छात्रा पर कोई कमेंटबाजी ना हो, कोई भी सुहादा किसी भी छात्र की ओर आँख उठाकर ना देखे, उसके लिए एंटी रोम स्क्वाड टीम का गठन किया गया था और अब दोबारा से उसको एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी पुलिस अधीक्षक महू से बात हुई है, वो भी सुनिए आप उन्होंने क्या कहा है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को दोबारा से एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं वो क्या हैं?
एंटी रोमियो जो स्क्वाड है ये पूर्व से ही आदेश हैं और उसी को कि ठीक तरीके से वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिसके संबंध में जो है ये सभी एंटी रोमियो के जो दस्ते हैं उनका जो है निर्देश निर्गत करके और उनको क्षेत्र में जाने, जो है अपने अपने बीट में जाने और ग्रामीण एरिया में भी, शहरी एरिया में भी, मोहल्लों में भी जा कर के, स्कूल कॉलेज में जा कर के, और उनको जो इससे संबंधित हैं, महिला अपराध से संबंधित चीज़ें हैं उनको जागरूक भी करना और महिला अपराध पर नियंत्रण करने की कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। लगातार जो है विभिन्न चौराहे तिराहों में भी बदल बदल करके भी चेकिंग भी कराई जा रही है, स्कूल कॉलेज के पास में, पार्कों के आसपास या जो गली मोहल्लों में जो है ऐसे अराजक तत्व हैं उनके संबंध में भी जो है कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। सर, मुख्यमंत्री के ये भी निर्देश हैं कि जो जिले के टॉप 10 अपराधी है उनकी लिस्ट थानों में चस्पा की जाए, तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जो भी हिस्ट्रीशीटर अपराधी होते हैं उनकी जो है बोर्ड पर जो है सूची चस्पा होती है, तो निश्चित रूप से ये सभी थानों में निर्देश पूर्व से ही हैं और ये समस्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो सर, जैसा अब दोबारा से निर्देश हुए एंटी रोमियो स्क्वाड के, तो आपकी तरफ से पूरे जिले भर में किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? प्रत्येक थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड गठित है और जो एंटी रोमियो के मेंबर्स हैं, जो महिला आरक्षी हैं, सब इंस्पेक्टर महिला हैं, तो वो क्षेत्र में जाएं और जो है जाकर के जानकारी करें, जो महिलाओं से संबंधित जो है अपराध हैं उनके बारे में जानकारी करके और जो भी सूचना प्राप्त होती है कार्रवाई करें। साथ ही साथ महिलाओं को जो है जागरूक करें, गली मोहल्लों में जा करके, विभिन्न स्कूल कॉलेज में जा करके, जो है तिराहों में, चौराहों में, जहां इस तरह के प्रवृत्ति के लड़के खड़े होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनके के संबंध में विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएँ। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन किया है और अब हर स्कूल कॉलेज चौराहों पर जो एंटी रोमियो स्क्वाड टीम है वो लगातार अब निगरानी रखेगी और जो भी इस सर्च ऑपरेशन के दौरान या जो भी व्यक्ति या छेड़छाड़ करने वाला कोई भी सामने आएगा उसके ऊपर जो है आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। और शामली के पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शामली से अपने सहयोग दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।